यूरोपीय संघ के सबसे बड़े देशों ने रक्त के थक्के बनने के कारण डर की वजह से एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तक दुनिया के करीब 18 देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस ने साल 2020 में पूरी दुनिया को परेशान किया। साल 2021 आते आते कई देशों ने वैक्सीन का इजाद कर लिया। कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत भी शामिल है। भारत ने नए साल के मौके पर 2 वैक्सीन को मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन की मांग कई देशों ने की थी। भारत ने कई देशों को इसकी सप्लाई भी की थी, लेकिन अब भारतीय वैक्सीन पर कई यूरोपीय देशों ने सवाल उठाए हैं। यूरोप के कुछ देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई, जिसके बाद दुनिया भर में चिंताएं भी बढ़ रही हैं। वैक्सीन लगने के बाद खून का थक्का जमने के कुछ गंभीर मामले सामने आए, जिसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों ने वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के कई देश कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के कुछ देशों में इस वैक्सीन के लगने के बाद लोगों में खून का थक्का जमने के कुछ मामले सामने आए थे और जिसके बाद कई चिंताएं खड़ी हुई। पहले नीदरलैंड ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में देखते ही देखते करीब 18 देशों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। अभी तक जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, थाईलैंड, कांगो, बुल्गारिया, आयरलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, लातविया, पुर्तगाल और स्पेन ऐसे देश हैं जिन्होंने अस्थायी रूप से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी है। कई यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को पैसों की बर्बादी बताया है, लेकिन अब इटली और फ्रांस ने इस रोक को हटाने का फैसला किया और जल्द ही दोनों देश अपने यहाँ वैक्सीनेशन फिर से शुरू कर देंगे। दावा किया गया कि एस्ट्राजेनेका पर लगाया गया बैन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया गया है। ऐसे में यूरोपीय देशों ने ब्रेक्जिट के कारण वैक्सीन पर रोक लगाई, जो राजनीतिक कदम रहा। इन देशों ने वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने के बाद अब यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने गुरुवार को एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें यूरोपियन देशों में एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कई देशों में एस्ट्राजेनेका के अस्थायी बैन के बावजूद दुनिया में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। WHO का कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को WHO के कोवैक्स मिशन के द्वारा कई देशों में भेजा जा रहा है। जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें मुफ्त में ये वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि WHO ने साफ कर दिया कि यूरोपीय देशों में जो वैक्सीन की दिक्कत आ रही है, वो यूरोपीय मैन्युफैक्चरर द्वारा तैयार की जा रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दिक्कत है। ऐसे में WHO जो कोवैक्स के जरिए वैक्सीन दे रहा है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। Several more countries have suspended the use of AstraZeneca vaccines as a precautionary measure after reports of blood clots in people who had received the vaccine from 2 batches produced in Europe. This does not necessarily mean these events are linked to vaccination, but it's routine practice to investigate them, and it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place. WHO Advisory Committee on Vaccine Safety has been reviewing the available data. WHO ने कहा कि कोवैक्स के तहत जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जा रही है, वो भारत और साउथ कोरिया में बनाई जा रही, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। We welcome the commitment by the Quad countries to deliver up to 1 billion doses of vaccine in the Asia-Pacific region through COVAX. And we continue to call for all countries to work in solidarity to ensure that vaccination begins in all countries within the first 100 days of this year.
यूरोपीय देशों के आरोप पर एस्ट्राजेनेका का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा है, यूरोप में वैक्सीन की खुराक 1,70,00,000 लोगों को दी जा चुकी है। जांच में पता चला है कि 37 लोगों में खून के थक्के बने हैं। ईएमए का कहना है कि वैक्सीन की खुराक पाने वाले जिन लोगों में रक्त के थक्के बने उनकी संख्या इस समस्या से जूझ रहे आम लोगों से ज्यादा नहीं है। वैक्सीन के लिए पहले लैब में सेफ्टी ट्रायल शुरू किए जाते हैं जिसके तहत कोशिकाओं और जानवरों पर परीक्षण और टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद इंसानों पर अध्ययन होते हैं। लैब का सेफ्टी डेटा ठीक रहता है तो वैज्ञानिक वैक्सीन के असर का पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब फिर वॉलंटियर के बड़े समूह पर परीक्षण किए जाते हैं। आमतौर पर वैक्सीन आपको कोई बीमारी नहीं देती बल्कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को उस संक्रमण की पहचान करना और उससे लड़ना सिखाती है जिसके खिलाफ सुरक्षा देने के लिए उस वैक्सीन को तैयार किया गया है। वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को हल्के लक्षण झेलने पड़ सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती बल्कि वैक्सीन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है। 10 में से एक व्यक्ति को जो सामान्य रिएक्शन हो सकता है और आमतौर पर कुछ दिन में ठीक हो जाता है, जैसे बाह में दर्द होना, सर दर्द या बुखार होना, ठंड लगना, थकान होना, बीमार होना और कमजोर महसूस करना, सिर चकराना, मांसपेशियों में दर्द महसूस होना। आपको बता दें कि भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है जो भारत में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की गिनती दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में होती है। यही कारण है कि दुनिया उम्मीद लगाकर भारत को देख रही है। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।